हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज हम बनाते हैं स्वीट कॉर्न सूप। अक्सर सर्दियों में बारिश में सूप पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए बनाते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनके ये सूप रेडी होता है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी और इसकी थिकनेस, बहुत ही अच्छा बनके रेडी होता है ये सूप। खाने में तो टेस्टी है ही, बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन लिया, उसको गरम कर लिया है। पैन गरम होती है, हमें इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करना है। बटर को मेल्ट होने दीजिए। इसके बाद हमें इसमें फ्रेश वाले स्वीट कॉर्न ऐड करना है 1 कप भर के। कॉर्न को बटर में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। साथ ही में हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड की है। ये बच्चों के लिए सूप बन रहा है इसलिए मैंने शिमला मिर्च की क्वांटिटी कम ली है, चाहे तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और इसमें हम 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। आप जितना बनाना चाहते हो उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा और अच्छे से बॉईल आने देंगे, ढककर पका लेंगे। फ्रेंड्स, इस सब्ज़ी को आपके यहाँ पे क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ पे इसको शेपू के नाम से जाना जाता है। इसको मैंने बारीक चॉप करके लिया है। तो बॉईल आ चुका है, देखिए स्वीट कॉर्न अच्छे से गले हैं। इसको अच्छे से गलने तक हमें पकाना है, 1-2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे। स्वीट कॉर्न गलने के बाद हम इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने छोटी चम्मच के हिसाब से इस चम्मच से 4 चम्मच के करीब कॉर्न स्टार्च लिया है। इसको पानी डाल के इसका एक घोल बना लेंगे, कुछ इस तरह से घोल बनाना है हमें। और इस घोल को ये उबलते हुए पानी में ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम इस घोल को ऐड करते हैं तुरंत चम्मच की मदद से आपको इसको चलाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। इस तरह से आपको बार बार चम्मच चलाते हुए इसको पका लेना है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। तो इस तरह से ये बॉयल आने के बाद ठीक होता है। थोड़ी देर के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ठीक होने लगती है। तो हमें इसको अच्छे से पका लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 कप के करीब दूध मिल्क लिया है, उसको ऐड करेंगे और चम्मच से तुरंत इसको मिक्स कर लेंगे। इससे इसका फ्लेवर तो अच्छा आता ही है और कलर भी अच्छा आता है। तो इस तरह से हमें ये सूप बनाना है। इसको अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें जो शेपू था कट किया हुआ जो सब्ज़ी है उसको हम डालेंगे, थोड़ी बचा लेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, काली मिर्च पाउडर ली है, इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे। और जो बचा हुआ बटर है उसको भी डालेंगे ताकि इससे टेस्ट में और इन्हांस आ जाए। और ये अच्छे से बॉईल होने के बाद हमें इसमें 1/2 टीस्पून के करीब विनेगर ऐड करना है। बिल्कुल ये पकने के बाद ही हमें इसमें विनेगर ऐड करना है, थोड़ा सा, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और साथ ही में आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक ऐड करना है। बिल्कुल विनेगर और नमक ये सूप बनने के बाद लास्ट में आपको ऐड करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। नमक डालते हैं हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बन के रेडी है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल स्वीट कॉर्न सूप, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम इसको सर्व करते हैं। देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी, थिकनेस और इसका कलर, खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। बच्चे तो इससे बड़े मज़े से खाते हैं। ये थोड़ा मुझे गर्म लग रहा था तो मैंने साइड में एक प्लेट ली है, बहुत ज़्यादा हॉट था। गर्मा गर्म खाने में इसका मज़ा बहुत अच्छा आता है। बाहर रिमझिम बारिश हो रही है और ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म सूप एंजॉय कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।